हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी ये जो बिरहा हम प्रस्तुत कर रहे हैं गणेश स्टूडियो बलिया की धरती से, जो आपका हार्दिक स्वागत करती है। हम साथीगण हारमोनियम पर संतोष यादव, ढोलक वादक श्याम देव त्रेरा, कोरस पर लल्लन यादव, तुलानाथ कुशवाहा और मुखराम भाई। देखे बाबू बाबू। हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी आप लोगों के बीच में एक घटना प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है मथुरा का जवाहर बाग कांड। बाबा बताया गया बाबू किस जमाने में वक्त के ऐसे तकाजे हैं जिसको मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता बाबा कि किसके साथ समय कैसा आएगा और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। चार लाइन भूमिका में कबीर जी बड़ी मार्मिक बात लिखलन। अरे जोश जज्बा जवानी जुनूनी हरकत, पतित पापी किया पाप परिवेश में, पावन धरती सुहावन डरावन बनी, पति प्रभु का पड़ा हिंद के देश में, राढ़ राढ़ी किया दाग दिल में दिया, स्वयं भूषासन के सपनों के आवेश में, आज मथुरा की धरती मुकद्दर पे झंखे, कल युगी राम वृक्ष कंस के वेश में, बाबू आज इस समय के चक्र ने मथुरा जिले के जवाहर बाग कांड में जो हरकत हुई और जो हादसा हुआ उसमें देख करके राम वृक्ष यादव ने जो मानव धर्म का हनन किया उससे सोचना पड़ रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। बाबा वह गजल का लाइन लागल मास्टर। मारता है आदमियों, मारता है आदमियों, मर रहा है आदमी।
आदमी को देख करी क्यों, आदमी को देख कर क्यों जल रहा है आदमी, आदमी को देख कर क्यों जल रहा है ये बाबू। लेकिन गाना के भाव में लिखल गेल कैसे कि धन बढ़े तो बढ़ता जाए, धन बढ़े तो बढ़ता जाए, मन का बढ़ना ठीक नहीं, धन बढ़े तो बढ़ता जाए। धन बढ़े तो बढ़ता जाए, मन का बढ़ना ठीक नहीं, धन बढ़े तो बढ़ता जाए, मन का बढ़ना ठीक नहीं, ठीक नहीं है, बढ़े तो मन का बढ़ना ठीक नहीं, मन का बढ़ना ठीक नहीं। धन बढ़े तो बढ़ता जाए, मन का बढ़ना ठीक नहीं, नारी बच्चों को ढाल बना के। ये बाबू इससे घिनौना काम कोई हो ही नहीं सकता बाबू। नारी बच्चों को ढाल बना के जंग में लड़ना ठीक नहीं, नारी बच्चों को ढाल बना जंग में लड़ना ठीक नहीं, नारे बच्चों को ढाल बना के जंग में लड़ना ठीक नहीं। सरल स्वभाव राम वृक्ष मृदु भाषी था, गाजीपुर मर्द मठिया का निवासी था, स्नातक जुआ जय गुरुदेव का जनलाई बना, 1990 में राजनीति का व्यवसायी बना, कुशाग्र बुद्धि दूरदर्शी का प्रवक्ता था, कुशाग्र बुद्धि दूरदर्शी का प्रवक्ता था, मंच संचालन साथ ही में अच्छा वक्ता था, स्वर्ग सिधारे बाबा सोचा मन में संत बन, स्वर्ग सिधारे बाबा सोचा मन में संत बन, मथुरा आश्रम में खुद गद्दी का महंत बन, पेपर पत्रिकाएं दूरदर्शन से लेकर के और जन जन तक ये खबर फैली है कि आखिर मथुरा की धरती पर गाजीपुर का रहने वाला जिसका गांव था मर्दह के बगल में, मर्दह ब्लॉक के बगल में बाबू रायपुर मठिया एक गांव है, उसी गांव का रहने वाला राम वृक्ष यादव जो बाबा जय गुरुदेव का शिष्य था, वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था बाबू, और अपनी तीव्रता के चलते, बुद्धि की तीव्रता के चलते वह जन जन में इस प्रकार से बैठा था कि वह सन 1990 में ही राजनीति में उतर गया और एक स्वाधीन भारत सत्याग्रही पार्टी का गठन किया, यहाँ तक कि गाजीपुर से सांसदी का इलेक्शन लड़न और लड़ला के बाद बाबू जहूराबाद क्षेत्र से विधायकी का भी इलेक्शन लड़े, लेकिन वो जन जन में वो चीज जगाया जिसको पिछड़े दलितों ने सोचा नहीं था बाबू। आगे धीरे धीरे जब समय बीता तो वह बाबा जय गुरुदेव का शिष्य था, उनकी शरण में गया तो बाबा जय गुरुदेव की दूरदर्शी पार्टी थी उसमें रह करके इस तरह से अपनी छाप छोड़ा कि आज वहां बाबा जय गुरुदेव के जितने शिष्य थे सारे लोग सोचते थे कि आखिर इसको इस धरती ने कैसा बनाया है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतला के बाद बाबा जय गुरुदेव का देहांत हो गया।
जब वो शरीर छोड़ दिए बाबू, तो उस राम वृक्ष यादव के मन में ये जिज्ञासा जन्म ली कि इस गद्दी का अधिकारी मैं बन जाता तो इससे उत्तम हो ही क्या सकता था। ए बाबू, जो ही अपन इच्छा जाहिर कैलन, त्यो वहां का जो उनसे पुराना शिष्य रहलन, कहलन रोके लगलन, कहलन के राम वृक्ष कत्ते ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग पुराने हैं, बाबा की सेवा करते हैं, और तुम इतने ही दिनों से आए और तुम गद्दी के अधिकारी बनोगे, कत्ते ही ऐसा नहीं हो सकता। देखें बाबू, दोनों गोल में विवाद हो गई। आज जब विवाद हो गई तो भैल का वही मथुरा की धरती पर वह गीत ला गिल मास्टर। बाबा है देखा बाबू, कोनो मेहरारू मर्द कई बात बा, मेहरारू अपने मर्द के पास रात बितावत रहे, तब तक ओकरा से एक छे गलती हो गई, सोचत बे कलस की हमार पति देव तहिए से खिसी आई हवन, अपना दियादी से सखी से बतावत का कहत बाड़ी, हो गई गलती अंधेरे में तानी सा करवत फेरे में, हो गई गलती अंधेरे में तानी सा करवत फेरे में, हो गई गलती अंधेरे में तानी सा करवत फेरे में, हो गई गलती अंधेरे में तानी सा करवत फेरे में, लाज गई के हुनी घई आए सकी कहीं से दूसल पर कहीं आए सकी कहीं से दूसल पर कहीं आए सकी कहीं से दूसल पर कहीं आए सकी। इस गीत का लाइन रहल बाबू, लेकिन गाना के भाव में लिखल गेल भैल का पिजड़ा से पराइल परिंदा बा, बाबा के आत्मा जिंदा बा, पिजड़ा से पराइल परिंदा बा, बाबा के आत्मा जिंदा बा, पिजड़ा से पराइल परिंदा बा, बाबा के आत्मा जिंदा बा, पिजड़ा से पराइल परिंदा बा, बाबा के आत्मा जिंदा बा, सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत कामा छवले बा, लड़े के लड़ाई खुद अपन गुट बनवले बा, लड़े के लड़ाई खुद अपन गुट बनवले बा, लड़े के लड़ाई खुद अपन गुट बनवले बा। ए बाबू, राम वृक्ष यादव कहलन कि बाबा कि शरीर नहीं है, लेकिन बाबा हमारे रूप में जिंदा बाड़न, आ तो हम लोग हमारे साथ ही चला, आ और हम तो हम लोग के यहू से सुंदर दुनिया दिखाई। तो बाबू हुआ क्या, धावा बोलना संपर मथुरा में कई मेरार हो, धावा पंकज यादव उमा कंत आखिर गईले हार हो, पंकज यादव उमा कंत आखिर गईले हार हो, पंकज यादव उमा कंत आखिर गईले हार हो। ए बाबू, वहां पर जो दूसरा गुट था पंकज यादव और उमाकांत तिवारी का, एक दुनहन में तकरार हो गई। आज अब तकरार हो गई तो पहले से रहत रहन वर्चस्व ज्यादा रहल, राम वृक्ष के छकाए दिलन, आज अब छकाए दिलन तो हुआ क्या, हर कलंकी दाद भई घायल करिया नाग भई, हर कलंकी दाद भई घायल करिया नाग भई,
घायल करिया नाग भई देश भर में आपन ने सवार सफाई लवले बा लोहड़े के लालाई खुद आपन गोड़ बनौले बा लोहड़े के लालाई खुद आपन गोड़ बनौले जब राम ब्रिज के छकाए धलन पंकज यादव और उमाकांत तिवारी का गोल जब हराए धलस बाबू सोच गेलन कि अब इसको दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तब राम ब्रिज बाबू कैलन का वह धुन लाग गेल बाबू कौनो मेहरारू के याद जब सतावे लागल लोकर मेहरारू जब चल गई ससुरा से नहीं हर तो कहलस की खबर कैसे भेजी पहला पहल गौना रहल विदाई हो गई राती खसूत के चंदा की तरफ देखत बा आ कहलस का कहलस जहिया से चली गई लू छोड़ी के हम के खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बड़ी हमर जान हो कैसन बड़ी हमर जान हो ए बाबू गाना के भाव में लिखल गई देखा कहल जाला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जब मनुष्य की हार होने को होती है उसका विनाश होने को होता है तो उसकी कार्यशैली और बुद्धि विवेक लोगों से टकराते चलता है हुआ क्या कवि जी बड़ी मार्मिक बात लिखलन का लिखलन पपिया के पाप के नाम भरे ला घड़ी लावा पपिया के पाप के नाम भरे ला घड़ी लावा पपिया के पाप के नाम भरे ला घड़ी लावा पपिया के पाप के नाम भरे ला घड़ी लावा घूमी घूमी कहे ललकार हो नेता सुबह से ऐसन भौज बना के नेता सुबह से ऐसन भौज बना के छिनल जाइयापन अधिकार हो नेता सुबह से ऐसन भौज बना के छिनल जाइयापन अधिकार अरे छिनल जाइयापन हो नेता सुबह से ऐसन भौज बना के छिनल जाइयापन अधिकार अपना साथियन के लेके जब वहां से हार गई तो मथुरे की धरती पर एक सरकारी जमीन दहल 270 एकड़ की भूमि थी बाबू और उस भूमि पर गया और जो उसके साथी थे उनको बताता है कि ऐ जवानों ऐ साथियों तुम लोग मेरे साथ चलो जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये हिंदुस्तान के आजाद करौलन उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज उसी की तरह समझ लो अगर तुम त्याग करोगे जमाना सवर जाएगा बतावत मन कहलन का स्वाधीन भारत सत्याग्रही समिति स्वाधीन भारत
बनावे लगले जे भी राखे प्रीति। हाँ मेंबर बनावे लगले जे भी राखे प्रीति। मेंबर बनावे लगले जे भी राखे प्रीति। चंदन राखे से बुद्धा गिरी सी यादो चंदन बोस बंगाल का रहने वाला बाबा, उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ था राम वृक्ष का बाबू, मध्य प्रदेश बिहार झारखंड बंगाल तक के लोग उसके साथी थे। इतने ना बाबू, वहां से बाहर से ट्रक कांवर सामान लाद के आज जब वो जवाहर बाग कैंपस में घुस जाए बाबू, तो महंगा सामान भी आवे तो हम आधा दाम पर नहीं सस्ते दाम पर सब करा के मुहैया करावे। ये उनकर काम रहे, लोगन के सुख सुविधा हर चीज मुहैया करें। लेकिन बाबू अभी कल का पेपर जिसका यानी 16 तारीख को चंदा बोस और उसकी पत्नी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्तैदी से उसकी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने ऐलान किया है कि आए समाज के लोगों कान खोल करके सुन लो, जो मथुरा के जवाहर बाग कांड का हत्यारा होगा, जो दोषी होगा उसको हम लोग कतई बख्श नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए बाबू आगे हुआ क्या, चंदन बोस तो गिरफ्तार हो गया उस 16 तारीख को, 16 जून को दोनों पति पत्नी गिरफ्तार हैं। लेकिन आगे नतीजा क्या निकला बाबू, गिरीश यादव राकेश गुप्ता अभी फरार हैं। आगे हुआ क्या, वह गीत लग गया। ए बाबू वह गीत बाजा उनकी, आज माई बहनी जब जाता पीसे ली तो दोनों ओर से एक दूसरा पर टांग चढ़ाए के आ झूम के झीक डाले ली, जाता में आ झूम झूम गावे ली। जैसे कैसे गावे ली, कि तिसिया को तेलावा करहिया जरे रे नाना, तिसिया को तेलावा करहिया जरे रे नाना जी, वैसे जले सियाला हमार छोटी रे नाना जी, वैसे जले सियाला हमार छोटी रे नाना जी, वैसे जले सियाला हमार छोटी रे नाना जी। ए बाबू तौले चचे दे सरका गोल गावेला, कैसे गावेला, सास मोरिया नारी ननदिया चकरे सोनानी, ननदिया चकरे सोनारे, ननदिया चकरे सोनारे, आधी रतिया बुढ़वा मांगे पनिया छोटी रे नाना जी, आधी रतिया बुढ़वा मांगे पनिया छोटी रे नाना जी, गाना के भाव में कहल गई। वह समय था, समय कौन था,
कि 15 मार्च 14 के आइले जवाहर बाग में डेरा डाली दिया मेरे साथिया जवाहर बाग में डेरा पड़ गई। इतने ना राम वृक्ष यादव औरतन के भी ट्रेंड कर दिया रहलन गोली चलावे खातिर के हथियार से लैस रहत रहनी। वह जानता था अपने भविष्य को कि वक्त कैसा आएगा, तो एक छे इशारा के लस मन में लोगन से कहत बा का कहल मधुरा में ठोक अब गरीबावन के अपन कर काय होई सखिया गरीबावन के अपन कर काय होई सखिया गरीबावन के अपन कर काय होई सखिया। हे बाबू कलश की हमें ना हम दिल्ली तक तो हम लोग के अधिकार दियाई आओ खबर प्रशासन के भेजत बा, लेकिन बाबू नतीजा निकला क्या कि नेता सुभाष ऐसन लड़बे लड़ाई हम सबका हाथे हाथे हाथी यार मेरे सखिया सबका हाथे हाथे बाग भाईल बस्ती बहुते लोग बात सुन रहे लोग बात अब की बेर लड़ाई यार पार हो का नियम रहे पट्ठा पट्ठा जवान वही गेट पर खड़ा करौले रहलन बाहर से कोनो सूचना भीतर की लोगन के ना आवे दे। लेकिन बाबू कहा जाता है कि जब समय आता है पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन जरूर फटता है। वो दहशत फैला चुका था बाबू, नतीजा निकला क्या कि दहशत फैला समानांतर सरकार चलाता था, महंगा सामान खरीद खरीद सस्ता दर से बिकवाता था। तो विजय पाल सिंह तोमर का जब सिविल कोर्ट में केस हुआ, जवाहर बाग को खाली करो न्यायालय का अध्यादेश हुआ। ये बाबू ऐसा आतंक था राम वृक्ष का बाबा कि वह जो चला जाता था या तो अपने आप को बाबा जय गुरुदेव कहता था बाबा, और यह जय गुरुदेव कहा करके जितने उसके अनुयायी थे बाबा जय गुरुदेव के आवत रहलन। अजय बाबू वो पार्क में घुस जाए, जवाहर बाग में घुस जाए, केहू फिर बहरा ना निकले। इतने ना अगर केहू चोरी चुप के रात हो चाहे दिन हो किसी समय में सोचता था कि मैं गेट से बाहर चला जाऊंगा, तो जबरी वो जवान जो गेट पर पहरा दे रहे थे उनको जबरी खदेड़ देते थे कि तुमको अंदर ही रहना है। बाबू धीरे धीरे समय बीतल, वो उनकी आह लगी, नतीजा निकला क्या बाबू। इतने ना कोर्ट में जनहित याचिका दायर भइल, तो 20 मई 2015 को और फिर 22 जनवरी 16 को उस जनहित याचिका में आज सब कुछ अध्यादेश मिलने के बाद वहां की सरकार मथुरा के जो जिला प्रशासन थे एसपी सारे लोग सोचते थे कि आखिर इस कब्जे को कैसे छुड़ाया जाए।
हम लोगों को तो आदेश मिल चुका है। उसी में बाबू सोचे कि इनसे कोई किसी प्रकार की हानि ना हो और जो भी वहां की जनता है उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसकी सुरक्षा करते हुए उस राम वृक्ष को हम लोग पकड़ करके उसकी वास्तविक चाहत क्या है हम लोग उसको पूरा करें और उसकी समस्या का निदान करें। बाबा ये सोच के बाबू मुकुल द्विवेदी जो एसपी थे ये कुछ रंगरूट सैनिकों को लेकर के पहुंचे उस जवाहर बाग में। आज जब पहुंचलन समझावे खातिर तो वहां पर बाबू एक ठे घटना घटित भई था। वह गीत लागल निमिया के डलिया के डोलिया बनल बाप निबिया पतइए मोहार देव लोग से चलानी भवानी न हो देवता बनने कहा। गाना के भाव में लिखल गई शासन प्रशासन के मिलल खबरिया धरती पे बहना ही शासन प्रशासन के मिलल खबरिया धरती पे बहना ही जवाहर बाग से हटिए बदिया न हो कैसे तोड़ी है ए बाबू यह अध्यादेश था आदेश था कि बिना खून खराबा किए हुए उनको समझा बुझा करके उस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन जो ही एसपी मुकुल द्विवेदी जब उस प्रांगण में पहुंचते हैं बाबू तो नतीजा क्या निकला मुकुल द्विवेदी एसपी गईल समझावे मुकुल द्विवेदी एसपी गईल समझावे मारे लगले पापी गदार हो दारोगा संतोष यादव असुगत छोड़ले उल्टा चलल बाबार हो तड़ तड़ गोलिया चलावे बैबन माई तन चढ़ल तड़ तड़ गोलिया चलावे बैबन माई तन चढ़ल गोली घुसल सीना के भीतरिया न हो तेरा गिरा लया किया करिया न हो तेरा गिरा लया किया ए बाबू एसपी मुकुल द्विवेदी जी
समझाने के लिए वहां पर गए तो वो घेर करके नीच पापी उन पर डंडा और लाठी बरसाना शुरू कर दिए बाबू। आज जब डंडा लाठी बरसाने लगे तो वहां पर देख करके हालात को घबरा गए दरोगा संतोष यादव। और जब घबरा गए तो देखे कि अब क्या कर ही सकते हैं, ये तो समझाने के लिए गए लेकिन नतीजा दूसरा निकल गया। वहीं पर बाबू जो उनके ऊपर सर पे वार हुआ वो लड़खड़ा करके मुकुल द्विवेदी गिर पड़े। तब तक ये दरोगा संतोष यादव अश्रु गैस छोड़ दिए। और जब आंसू गए छोड़े बाबू तो सोचे कि जब छोड़ देंगे तो ये सब इन सबों को दिखाई नहीं देगा, भग चलेंगे। तो देखें बारे कुदरत की कानून बारे संजोग वहां से बाबू ऐसा उल्टा बयार बह गए कि ओहर के तरफ गैस न जाके ई प्रशासन के साथ जोन पुलिस रहलन उन्हें लोग की तरफ बहे लागल। आ जब बहे लागल बाबू तो नतीजा निकला क्या, देख लिया वहां पर तो जो पेड़ था उसी पेड़ पर बैठे हुए उग्रवादी थे, जो राम वृक्ष के गोल के थे वो बंदूक लेकर बैठे थे बाबू। ठाए ठाए गोली संतोष यादव पर चलावे लगे। वहीं पर जवान शहीद हो गया। लेकिन बाबू नतीजा निकला क्या, यह तेरी की बात लग गई। कि अरे घायल मथुरा की माटी रो पड़ी, कलंकित कुटिल कंस की कुरु भई परिपाटी। ए बाबू जब वहां पर लाश गिरने लगी तो जो रंगरूट सैनिक थे इतना डंडा से पिटाई कलन कि वहां पर हालात तो दूसरी बदल गई बाबू। वहां के लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन इधर से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने संतोष यादव की लाश को तिरंगे पट्टे में लपेट करके ताबूत में भंग करके बाबू लाते हैं जौनपुर में। और जो जौनपुर में जब लाते हैं तो होता है क्या, कि शांति के सपना टूटल राइफल से गोली छूटल अडुबलिया जोरिया शिश के चान मोरे बाबूजी। लसिया पे लाश गिरल बूढ़ा बच्चा औरत मरल पापी लिहलस निर्दोषन के जान मोरे बाबूजी। आ भैले शहीद शेरा दूनो जावाना वाहो असुआ बहावे हिंदुस्तान मोरे बाबू। बरसे नजरिया गावे ऐली खबरिया हो भाई के बटली सुन सान मोरे बाबूजी। हे बाबू जब संतोष यादव की लाश जौनपुर जिले के केवटली गांव में आती है तो उस समय बाबू जब संतोष यादव के घर वो ताबूत रख करके सिपाही जब उस लाश को निकालते हैं बाबू सारे गांव नगर के लोग आवाक रह गए कि आखिर इतने पुलिस के साथ
कैसी ये लाश आई है, कैसी ताबूत है। तो जब देखलन बाबू कि ये तो दरोगा संतोष यादव की लाश है, उनकी दुल्हन संतोष यादव की दुल्हन जब देखती है बाबू उस तिरंगे पट्टे को, तो वहां पर जब खोल करके उनके मुंह को देखती हैं, छाती पीट पीट के रोवे लगली। बाबू ये सोचत है कि आज हमार दुनिया अनहार हो गई। कभी अपने पति के चेहरे के तरफ को दुल्हन देखती है, तो कभी अपने बच्चों के चेहरे की तरफ देखती है, आंख से झर 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 लोग चलत बा। ए बाबू, वो दुल्हन जो संतोष यादव की दुल्हन थी मिथिलेश, अपने पति के सिर को गोद में लेकर के असहला के बाबू रो रो के यह कहत रहे। आज देखें चेहरा वैसे ही ताजा दिख रहा था, क्योंकि 2 जून की घटना है बाबू, और 3 जून को वो लाश पहुंच गई संतोष यादव के दरवाजे पर, केवटली गांव में पहुंची उस जौनपुर जिले के। तो देखें वह रो रो करके दुल्हन यही कहती है, अपने कभी अपने बेटों का चेहरा देखती है, कभी अपने पति के चेहरे को देखती है और यही कहती है कि बीच भंवर अधे जल में लैया, बीच भंवर अधे जल में लैया, छोड़ी गई सजना, छोड़ी गई सजना, याद कह कह के ये कहत बानी, कहा कहत बानी, साथ जिए के साथ मरे के, साथ जिए के साथ मरे के, साथ जिए के साथ मरे के, कई साथ रहे के कैलावा, साथ रहे के कैलावा, साथ रहे के, कहे भूल गई साथ बचन के, कहे भूल गई यही चुवरन के कोई के सहैया, चुवरन के कोई के सहैया, छोड़ी गई सजना, छोड़ी गई सजना, बाबू वही में जो उनका छोटी सी लड़की थी जिसका नाम श्रेया था, और लड़का निखिल अपन वही पापा के बाबू लाश पर लोट लोट के रोवे लगलन, वो जो बच्ची थी बाबू श्रेया आ रो रो के कहलस, कहत में कि ए पापा एक बार अखियां खोल द पापा, खोल द पापा अपने बचपन के देख ल पापा। लेकिन पापा कैसे देखी बाबू, वो तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। लेकिन बाबू वो लड़की रो रो के कहत में कहलस का कि मेरे पापा
मेरी जान कुछ बोला रोवे माँ मेरे पापा मेरी जान कुछ बोला रोवे माँ मेरे पापा मेरे जान कुछ बोला रोवे रुके कहत पे कि हम पापा जब तू आवत रहला तब हम निखिल भैया हमके कैसे खेले में मार देवे। बाबू रो रो के लड़की कहत पे कैसे कहत पे निखिल भैया के वरहल के सुनाई निखिल भैया के वरहल के सुनाए निखिल भैया के वरहल के सुनाए मेरी जान कुछ बोला रोवे माँ मेरे पापा मेरी जान कुछ बोला रोवे माँ मेरे पापा मेरी जान ए बाबू कलेजा फटने लगा। गांव नगर के लोगों के आंख से झर 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 दूर की रत्मा कि बारे भगवान ऐ खुदा तेरी कुदरत की कानून में ऐसा ही लिखा होता है। आज इन बच्चों का सहारा टूट गया। बाबू रोते रोते वहीं पर गिर पड़ी जो दरोगा संतोष यादव की दुल्हन थी मिथिलेश। जब गिर पड़ी बाबू लोग उसको पानी का छिट्टा मारकर फिर बैठाते हैं होश में लाते हैं। लेकिन बाबू वो नन्हा मुन्ना बालक रो रो के अपने बाप के आलन कहलन के पापा चाचा से अपने राय साहब चाचा जम कहलन बाबू संतोष यादव का भाई कहत पैसे या कि पापा हमार पापा काहे ना बोलत मारन पापा हमार पापा काहे ना उठ के बैठन मारन पापा काहे हमरे पापा के लोग सुलोले मारन ओ चाचा। लेकिन एक बार भगवान जो होता है तुम्हारी मर्जी से होता है। नतीजा निकला क्या अल्लाह का बात लग गई बाबू अरे बन के चिड़ैया रोवे धनले पतैया ये भैया बन के चिड़ैया रोवे धनले बन के चिड़ैया रोवे धनले पतैया भैया तूने साल बनवा जैसे हो जाला तीरा ya
बाबू, पूरे केवटली गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन कोई कर ही क्या सकता है। मालिक की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता बाबू, जो खुदा चाहता है वही होता है। लेकिन वहां पर जो अधिकारी गए थे, जो सिपाही गए थे, बताया गया कि उन लोगों ने धैर्य बधाते हुए उस परिवार का आंसू पोंछते हुए कहे क्या, वह अल्लाह बदल गए बाबू। अरे गृह सचिव देवर के 56 डीजीपी, पकड़ नहीं है उग्रवादी ना ही रही है आजाद। मछी किनारे न बटाई गई नसिया, राय साहब यादव निखिल जी हैं मुहयाद, राय साहब यादव निखिल जी हैं मुहयाद। जी हले सलामी तब पुलिस के जवानवा, भानुचंद्र गोस्वामी है दिया में सिया, बाबू गृह सचिव देवाशीष पांडा साथ में डीजीपी जावेद खान जी आए और कहे कि ये उग्रवादी जहां कहीं भी छिपे होंगे, किसी पहाड़ की कंदराओं में छिपे होंगे, कभी ये आजाद होकर के नहीं घूम सकते। हमारी आंखें उन्हीं लोगों के ऊपर लगी हुई हैं, हम लोग इन लोगों को बख्श नहीं सकते हैं। बाबू देखें उस लाश को, धीरे धीरे गांव नगर के लोग समझाते हैं कि कब तक आप लोग रोते धोते रहिएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो वहां से सैनिक बाबू लाते हैं, वहां गोमती नदी के किनारे पर जौनपुर में राम घाट है, उस राम घाट पर संतोष यादव की लाश को लाते हैं। ले इलन बाबू, तो चाचा राय साहब जो थे और निखिल जो छोटा लड़का था, अग्निदान कैसे दे सकता था बाबू, लेकिन चाचा साथ में रह के अग्निदान करौलन, अग्निदान खुदे दिहलन बाबू। लेकिन वहां पर जो सिपाही थे अपने हथियार उठा करके उस शहीद जवान को सलामी दिए। आज नतीजा निकला क्या, भानुचंद गोस्वामी डीएम साहब और एसपी साहब सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन सारी सरकार के जो नेता मंत्री थे आ करके उस केवटली गांव में तसल्ली देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हर पार्टी के नेता सो का व्यक्त तब कही ले, कैबिनेट मंत्री आई गई पर मुख्यमंत्री श्रेष्ठ तब घोषणा वहां कही ले, लाख रुपया सर्विस कई ने करार, अरे शहीद के शहादत न भुलाई का बोदे सवार, अगर वसे सीना चौड़ा भाई परिवार, बाबू वो केवटली गांव में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव जी पहुंचे और धैर्य बधाते हुए आंसू पोंछते हुए कहे कि जो कुछ भी मेरा सहयोग हुआ, मैं आप लोगों के पूरे परिवार के लिए तैयार हूं, इस शहीद की शहादत हमारे जीवन में हमेशा याद आती रहे। ए बाबू इतने ना 12 जून को प्रोग्राम था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, लेकिन समय का ऐसा कुचक्र
कि वो पहुंच नहीं पाए। समय की ऐसी व्यवस्था थी बाबू, नहीं पहुंच पाए। और जब नहीं पहुंच पाए तो वहां से घोषणा करके पेपर पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने ऐलान करके कह दिया कि उस मृतक के आश्रित को एक नौकरी और 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सहयोग राशि होगी ताकि उनके दुख में काम आवे। मैं दरोगा संतोष यादव के कर्ज को जीवन भर में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जितना सहयोग होगा, मेरी सरकार रहेगी, मैं सहयोग करता ही रहूंगा। ये बाबू यही से कहल गई। कवि जी बड़ी मार्मिक बात लिखलन कि दुनिया में जीना मरना तो लगा ही है बाबू, लेकिन देश के लिए मर मिट जाना इतिहास के पन्नों में नाम अमर हो जाएगा। कहा जाता है कि उसका जीवन सार्थक हो जाता है जो इस देश के लिए मर जाता है, मिट जाता है और इस देश की रक्षा और सेवा करता है। कहल गई कैसे, जापाज पीरों की बिताई के मुरीद हो गए, शान से शेर सिपाही वो पे शहीद हो गए। ए बाबू, यह राम वृक्ष यादव 2.5 साल तक दहशत फैलाया, लेकिन कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन जरूर फूटता है। वो मार्च 2014 से मथुरा के जवाहर बाग में कब्जा किया, लेकिन उसमें दहशत फैला करके रख दिया था। वहां की जनता, वहां के रहने वाले भी सिसक कर जिंदगी गुजारते थे। यही से कहल गई बाबू कि 2.5 साल दहशत फैलाया रहा प्रशासन मुख, अधिकारी नेता चुप्पी साधे हुई प्रशासनिक चूका हो। हो गए शान से शेर सिपाही वतन पे शहीद हो गए। ए बाबू, अधिकारी नेता इस असमंजस में 2.5 साल का दिन चुप रहे कि आखिर वहां की जनता को कोई कष्ट न हो, कैसे निर्णय लिया जाए, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, कैसी उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, यही सोचते विचारते 2.5 साल का समय बीत गया। लेकिन बाहर समय जब आकर के टकरा गया तो राम वृक्ष की लाश उस धरा पर धराशायी हो। तो बाग के अंदर मरा पड़ा था राम वृक्ष बद का, गांव गया परिवार हे बाबू, ऐसन मौत के हजार हजार बाद दाद देवे के चाही कि ऐसन जिंदगी जेला से कोनो फायदा ना बा कि मुवला के बाद सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन कोई हमारा न पता बता रहा है न हमारे घर परिवार का हमको आकर के हमारी लाश को दफनाने के लिए सोच रहा है। राम वृक्ष तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन इस तरह की आह समाज देख करके यही कहता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, अरे जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। ये बाबू आज हुआ क्या,
की संत वृंदावन के विरोधी ना उम्मीद हो गई शान से शेर सिपाही वो तन पे शहीद हो गई बाबू। इस विरह को गाना गाने समय तक यानी इस विरह को प्रस्तुत करने तक ये सूचना मिली थी, पेपर में आया था कि राम वृक्ष का बेटा विवेक स्वाधीन यादव इस दल का स्वाधीन भारत समिति का सत्याग्रही समिति का वो कमान संभाल लिया है, लेकिन ये पेपर का एक बहकावा भाषण है। बस उसमें यही लिखा था बाबू कि वह जहां कहीं भी होगा राम वृक्ष की दुल्हन और विवेक स्वाधीन जहां कहीं भी होंगे हम लोग उसको पकड़ कर लाएंगे। तो आखिर वो कैसे कमान संभालेगा जो छिप करके चोर की भांत रह रहा है। यही से कहल गए बाबू ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने जन्म लिया है। जब अन्याय होता है, पाप होता है, अत्याचार होता है, तो यहाँ की मिट्टी अपने आप उसका जवाब दे दिया करती है। गाना के अंतिम प्रमाण में कहेंगे कि जय जखार गुरु जद्दू स्वामी श्रीनाथ की फुलवार, घायल मथुरा की माटी रो पड़े, तो सागर सतीश चंद से वीर कहूं ना आज हो घायल मथुरा की माटी रो पड़े।